कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। बिहार में भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सूबे के सभी स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने बिहार दिवस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। ये तस्वीर आपको हम लखीसराय सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य महकमा है बिहार सरकार का, उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबे के सभी सदर अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कराया है, जहां पर कि कोरोना वायरस के मरीज को रखा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। लेकिन ये सदर अस्पताल लखीसराय की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और आपको हम इस सदर अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। जिला प्रशासन लखीसराय का दावा है कि कोरोना वायरस से निपटने की जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी है। बेहतर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये देखिए किस तरह से आइसोलेशन वार्ड की ओर हम आपको ले जा रहे हैं, और जो दावा है वो कितना सही है यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कमरा नंबर 231 है, और ये अंदर की ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये आइसोलेशन वार्ड के अंदर की तस्वीर है, और किस तरह से आइसोलेशन वार्ड का जो बेड है, जो बेड लगाए गए हैं उसमें जो सामान है ये शीशे हैं, और ये जो सामान बिखरे पड़े हैं बेड पर, और जो पूरी तरह से जो तैयारी रहनी चाहिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो तैयारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि दावा है, और सदर अस्पताल के मैनेजर सब कुछ बेहतर होने की बात कह रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सदर अस्पताल के मैनेजर। अभी तो ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं या फिर सस्पेक्टेड भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी निर्देशानुसार, वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार, DM साहब के निर्देशानुसार हम लोग ने तत्काल 4 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें कि अगर कोई संभावित मरीज उसे दिखते हैं, कुछ लक्षण अगर पाए जाते हैं, तो तत्काल हम लोग इसमें आइसोलेशन वार्ड में उनको रख सकें, और फिर बाकी उनके जांच के लिए जो भी नमूना है, ब्लड सैंपल, फिर जो भी नियमानुसार जो भी होगा हम लोग उनको बाहर भेजेंगे जांच हेतु, उसके बाद देखा जाएगा। अगर कोई मरीज आता है तो तत्काल इलाज के लिए सारा सुविधा यहाँ पर? हाँ, तत्काल इलाज तो यहाँ पर संभव नहीं है, इलाज तो उसका अभी तो हुआ ही नहीं है, बट उनको आइसोलेशन वार्ड में रखकर उनको निगरानी में रखा जाएगा। एक्चुअली में है क्या, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं नहीं है, वो देखा जाएगा, जांच के लिए हम लोग भेजेंगे। अगर पॉजिटिव पाया जाता तो फिर हम लोगों का टैग है पावापुरी मेडिकल कॉलेज से, फर्दर वहाँ हम लोग उनको भेजेंगे इलाज के लिए। अस्पताल कर्मियों को क्या कुछ बचाव के लिए दिया गया दिशा निर्देश? अस्पताल कर्मियों के दिशा निर्देश ये दिया गया कि वो तो मास्क पहने और हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और बाकी सामने वाले जो पेशेंट हैं या फिर सामने वाले जो लोग हैं उनको भी समझावें कि कोरोना वायरस को लेकर पैनिक नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सर्दी खांसी बुखार हुआ तो कोरोना वायरस से ही पीड़ित हैं, ये सब उनको जागृति के लिए सभी कर्मियों को बोला गया है कि, और हम लोगों ने जागरूक रहने के लिए कोई सदर अस्पताल की तरफ से कुछ जागरूकता। कल DM सर के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी कोरोना वायरस के लेकर, उसमें सर के निर्देश के आलोक में ही जिला के जो सूचना पदाधिकारी होते हैं उनके तरफ से 10-12 होर्डिंग या 15 होर्डिंग शायद पूरे ज़िले में लगेंगे, तो एक दो दिन में शायद लग जाएंगे वो होर्डिंग।